यूपी का बदायूं विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए भाजपा सरकार ने खजाना खोल दिया है। आपको बताते चले, कस्बा अलापुर के थाना चौराहे पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने स्वर्गीय बाबू कल्याण स्मृति द्वार का शिलान्यास करते हुए एक सभा को संबोधित किया। द्वार का निर्माण कस्बा अलापुर के आकाश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने जिले के चहुमुखी विकास की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है और आने वाले समय में बदायूं की अलग पहचान होगी। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने रामपुर और मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी की करारी हार होना बताया। साथ ही 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। इस मौके पर पंडित शारदा कांत और फसीक दातागंज चेयरमैन आकाश वर्मा सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बहुत महत्वपूर्ण है रामपुर मैनपुर, क्या कहेंगे बीजेपी किस तरह? देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता 1965 का काम करता है, इसलिए चुनाव आते हैं चुनाव चले जाते हैं, भाजपा कार्यकर्ता काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पार्टी है। अभी कुछ समय पहले दो चुनाव एक रामपुर भाजपा, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी कही जाती थी, समाजवादी पार्टी के जो से अपना गढ़ कहते थे, लेकिन चुनाव के जो परिणाम सामने आया तो उन गढ़ों को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ध्वस्त कर दिया, उसको बस खिला दिया। अब मैं कह सकता हूँ कि मैनपुरी या रामपुर मैनपुरी पर लोकसभा रामपुर पर विधानसभा भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं और राम जनता के साथ। क्या बीजेपी को उनके जो बार बार कलह जो बार बार देखना ही होती, इसका भी बंधन लेने जा रहा है? अखिलेश यादव अपने परिवार को भी साथ नहीं रख पा रहे। बीजेपी पार्टी बड़ी पार्टी उनके किसको साथ रखेंगे, किनको साथ नहीं रखेंगे, किनके साथ समझौता करेंगे, इस पर हमें फर्क से नहीं पड़ता। हमारा एक मंत्र है, नारा है, इस पर में साठ हमारा है, बाकी बंटवारा है। इसलिए चाहे वो किसी को साथ रखें किसी को साथ नहीं रखें, सौ में साठ हमारा होगा तो हम जीतेंगे। ये उपचुनाव 2024 के लिए आप क्या कहेंगे? ये चुनाव 2024 के लिए, जब भी 2024 पर है तो भाजपा ये भी सब जानते हैं कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है, फिर माननीय मोदी जी को फिर से कोई रोकने वाला तो है नहीं। और जब पिछले कमर से सरकार, हम तो ये चाहते हैं 80 में से 80 कमर भाजपा के खिले और पूरी सीटें भाजपा के साथ लेकर के मैंने प्रधानमंत्री को। आपका क्या नाम है? आकाश कश्यप। ये कौन सा कस्बा है? कस्बा अलापुर। आपने ये बाबू कल्याण स्मृति द्वार का जो आयोजन कर रहे हैं स्मृति का, ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं? ये एक बाबूजी कल्याण सिंह द्वार है और स्वर्गीय जेनेलाल कश्यप की स्मृति में बन रहा है। वो आपके कौन हैं? पिताजी हैं। अच्छा। और इसके भूमि पूजन के मुख्य अतिथि हैं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, भारत सरकार, और उसके विशिष्ट अतिथि हैं जिला अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक सुनोद सर और जिला मंत्री शारदागंज और बाकी सभी भाजपा के नेता। अच्छा, आप जो केंद्रीय माननीय केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी आ रहे हैं, जो उद्घाटन के आ रहे हैं कि भूमि पूजन के लिए? पूजन हो रहा है इसका। अच्छा, आज जो स्मृति द्वार का जो भूमि पूजन किया जाएगा? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित कर मौजूद रहेंगे? सभी 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 माननीय दातागंज विधायक राजीव कुमार बप्पू भैया उपस्थित रहेंगे, जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी रहेंगे उसमें, और कुशाग्र सागर और धर्मेंद्र साग पप्पू भैया पूर्व विधायक, बाकी समस्तगढ़ नेतागढ़ हमारे उपस्थित यहाँ पर रहेंगे।